अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए दूसरों के गरेबानों में नहीं ढांका जाता है। जो एतराज़ात उन पर हो रहे हैं उसका जवाब दें। अगर पूर्व के लोग ऐसे नहीं होते जिन पर वो ये बातें कर रहे हैं तो आज वो सत्ता में आते कैसे? इसीलिए सत्ता में आए हैं और इसीलिए सत्ता से जाएंगे। वही काम अगर आप कर रहे हैं जो सत्ता से जाने वालों ने किए थे तो फिर आपको सत्ता में रहने का कहाँ अधिकार रहेगा? आप भी चले जाएंगे। ये कौन सा जस्टिफिकेशन हुआ? उन्होंने कहा कि कौन उसके हवाई जहाज में घूमता है सब मालूम है। हाँ, देश को भी मालूम है कौन क्या करता है, ये देश को भी मालूम है। ये अब 4 साल बाद बताने की जरूरत नहीं है कौन क्या कर रहा है, सबको मालूम है। नई इन सफाइयों से कोई काम चलने वाला है? बीच में तो नौकरी दें। देखिए, बातों को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों को नौकरी दें, रोजगार दें, काम दें। देश का पैसा जो लूट कर उनके दोस्त लोग देश से बाहर ले गए उसे वापस लाएं। दोस्तियां भी कम करें और देश में रहें ज्यादा। उद्योगपति भी बैठे जी, उनका आगे अगर ये सब जानते अगर ये कह देंगे तो सारा ठीक ठाक खुल जाएगा। पता नहीं उद्योगपति थे या दल्ले थे, ये तो दल्लों का काम होता है इस तरह की बातें करने का, राज खोलने का, बताने का, बाथरूम में कितने सीटें लगी हैं ये बताने का, बेडरूम में कितने चादरें बदली गई हैं ये बताने का। ये तो काम दल्लों का होता है। प्रधानमंत्री जी को इस स्तर के लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग कल के लोगों की चादर देख रहे थे वो कहीं ऐसा ना हो आपकी चादर पर भी उनकी नज़र हो। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।